हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं मुदित कुमार सिखा रहा हूँ आपको ड्रुपल एट की। आज की वीडियो में हम देखेंगे रूल्स रूल्स क्या होता है और इसको हम अपने कस्टम मॉड्यूल के साथ में कैसे यूज़ करेंगे। बेसिकली रूल्स के बारे में मैंने कॉन्ट्रीब्यूटेड मॉड्यूल में बताया हुआ है। रूल्स जनरली क्या होता है कि जो भी हमारे ऑथेंटिकेटेड यूज़र होते हैं उसके लिए हम रूल सेट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे तीन रोल देखे, यहाँ पे तीन रोल्स हैं हमारे। पहला है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरा है हमारा स्टूडेंट और तीसरा है हमारा टीचर। तो अगर आप कुछ इस तरह का मॉड्यूल बना रहे हैं जो कि सभी के लिए है, तो उसमें हमें रोल्स का कुछ भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं ऐसा मॉड्यूल बनाना कि वो मॉड्यूल पर्टिकुलर रोल के लिए हो, मीन्स स्टूडेंट के लिए हो, सिर्फ स्टूडेंट ही उस मॉड्यूल को यूज़ कर सकता है। जिस यूज़र का रोल स्टूडेंट है वही इसे यूज़ कर सकता है, तो हम रोल को डिफाइन करेंगे। यह हो सकता है कि वो आप चाहते हैं कि स्टूडेंट भी उसको मॉड्यूल को यूज़ करे और टीचर भी उसको यूज़ करे, तो हम मल्टीपल परमिशंस भी दे सकते हैं उसको, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रोल्स कैसे बनाते हैं, स्टैटिक रोल को कैसे बनाते हैं, और सेकंड वीडियो मैं इसकी बनाऊंगा तो उसमें हम देखेंगे कि रोल्स को हम एज ए परमिशन फाइल एक क्रिएट करेंगे और रोल्स को हम एज ए अपना जो ड्रूपल है उसके अंदर जो परमिशन सेट होती है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है परमिशंस का, वहाँ पे जाके हम रोल्स को डिफाइन कर सकते हैं बाय क्लिकिंग। लाइक जैसे हम चेक देते हैं तो उसकी तरह हम कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये हम देखें अपनी सेकंड वीडियो में। तो अभी देखते हैं हम स्टैटिक कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, चलो करते हैं स्टार्ट। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने अपने कुछ पेजेस बनाए थे कस्टम मॉड्यूल के थ्रू, बेसिक पेज और इन्फॉर्मेशन पेज, ठीक है। तो हम इन्फॉर्मेशन पेज पे क्लिक करते हैं। ये हमारा इन्फॉर्मेशन पेज ओपन हो गया है। तो बेसिकली तो ये अभी सभी के लिए विजिबल है, एक्सेसिबल है। लाइक किसको चाहे, कोई ऑथेंटिकेटेड यूज़र एक्सेस करना चाहता है तो वो भी कर सकता है और एनएमएस यूज़र भी इसको देख सकता है। ओके, हम इनकॉग्निटो में एक न्यू विंडो ओपन करते हैं और उस पर मैं भी दिखा देता हूँ आपको कि इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, ये इन्फॉर्मेशन पेज है, इस पर हमने क्लिक किया, ये यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे हम लॉग इन भी नहीं है। और दूसरी विंडो में हम दिखाते हैं, देखिए ये हमारा लॉग आउट, मीन्स ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन है। तो ये दोनों के लिए एक्सेसिबल है, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि हमें पहले तो ये चेक करना है कि हमारे पास कितने तरह के रोल्स अवेलेबल हैं। तो हम पीपल पे होवर करेंगे और रोल्स जो है हमारा, तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे ये रोल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट भी है और ऑथेंटिकेटेड भी है, एडमिनिस्ट्रेटर भी है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये स्टूडेंट ही इसको सिर्फ देख सके, कोई और इसको देख ना सके, तो इसका हमें रोल सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो हमें अपनी फाइल ओपन करनी है, ये हमारी फाइल है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें लिखना है अंडरस्कोर रोल कॉलन एंड उस रोल का नाम, लाइक स्टूडेंट। तो ये हम स्टूडेंट के लिए सेट कर रहे हैं रोल। इसको सेव करेंगे, देन हम इसकी कैशे को क्लियर करेंगे। हम फ्लश कर देते हैं इसको। तो देखिए हमारी कैशे क्लियर हो गई है और यहाँ पे आ गई है एक्सेस डिनाइड का मैसेज आ गया है, जबकि इन्फॉर्मेशन वाला पेज हमारा पहले ओपन हो रहा था, यहाँ पे कंटेंट आ रहा था, ठीक है। तो अब हम अपनी दूसरी विंडो में जाते हैं इनकॉग्निटो में। अगर इसको भी हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे भी हमें वही मैसेज शो होगा, क्योंकि ये एक एनोमिस यूज़र है। तो एनोमिस यूज़र के लिए भी ये सेम वर्क करेगा, मींस ये एनोमिस यूज़र के लिए भी अब एक्सेस डिनाइड का मैसेज शो करेगा। हम लॉग इन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम अपना स्टूडेंट वाला जो यूज़र है उसको लॉग इन कराएंगे। बट हम देख लेते हैं पहले कि हमारा कौन सा वो यूज़र है। हम पीपल पे क्लिक करेंगे, न्यू टैब में ओपन करेंगे, तो हम देखते हैं कि स्टूडेंट वाला जो हमारा यूज़र है वो कौन है। स्क्रॉल करते हैं तो ये हमारा सोनू है। तो सोनू की आईडी हमने ली थी sonu@gmail। हम लॉग इन कराते हैं, इनकॉग्निटो वाली विंडो में जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं sonu@gmail.com123 और इसको हम लॉग इन कर देते हैं। तो ये हमारा लॉग इन हो गया है। इन्फॉर्मेशन पे हम क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमारा पेज जो भी डेटा है हमारा शो हो रहा है और हमारा एडमिनिस्ट्रेटर वाला जो पेज है इस पे हमारा डेटा शो नहीं हो रहा है, एक्सेस डिनाइड आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी ये एक्सेसिबल हो
तो यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है और यहाँ पे लिखना है एडमिनिस्ट्रेटर, इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर लिख के इसको सेव कर देना है। देन जाएंगे हम और अपना कैशे को क्लियर करेंगे, प्लस कैशे करते हैं तो हमारी कैशे क्लियर हो गई है और हमारा यहाँ पे देखिए अब कंटेंट भी शो होने लगा है क्योंकि हमने इसको परमिशन दे दिया, एडमिनिस्ट्रेटर और स्टूडेंट दोनों के लिए परमिशन दे दी हमने कि ये इन दोनों रोल के लिए ये वाला हमारा जो मॉड्यूल है और ये वाला पेज है वो हमारा काम करेगा। ओके तो देखिए अगर हमने और भी हमें यहाँ पे ऐड करना है लाइक टीचर को भी परमिशन देनी है तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे और यहाँ पे आगे हम टीचर लिख देंगे, ठीक है, और इसको सेव करेंगे और कैसे क्लियर करेंगे तो वो हमारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम परमिशन के थ्रू रोल्स को सेट कर सकते हैं, ठीक है, वो कैसे करेंगे हम, हमारा जो परमिशन वाला सेक्शन है ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे हम ऑप्शंस को कैसे विजिबल करेंगे और कैसे उसको एनेबल डिसेबल करेंगे। ओके तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।